तकरीबन 20 साल से दिल के किसी कोने में छुपा दर्द जब अपने बेटे को देखकर बाहर निकला तो फिर आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। एक बाप के क्रंदन में कराह है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, अफसोस है और अपने बेटे से बिछड़ने का गम भी है। 20 साल पहले एक फैसले ने जब पति पत्नी को तलाक का हवाला देते हुए अलग किया तो ये मासूम अपनी किस्मत को समझने की हालत में नहीं था। तलाक ने माँ बाप को अलग कर दिया तो बेटा भी अपने पिता से दूर हो गया। लेकिन 19 साल बाद रिश्तों की इस कहानी में बॉलीवुड की किसी फिल्म सा मोड़ आया। एक बेटा अपने बाप को ढूंढते ढूंढते जापान से हिंदुस्तान चला आया और उसके बाद ये पहली मुलाकात सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। बेटे से लिपट कर रोता बाप मानो अपने गुनाह की माफी मांग रहा हो और बेटा अपने बाप को बाहों में भरकर हिम्मत बटा रहा है, जैसे कह रहा हो कि मैं हूं ना। वाकई ये कहानी जज्बातों के समंदर की है जिसे सुनने के लिए डूबना जरूरी है। 20 साल के एक बेटे की जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने उस पिता को ढूंढना था जिसे उसने 18 साल पहले वक्त के हाथों गवा दिया था। खून का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसमें विश्वास का गाढ़ापन होता है। बेटे को यकीन था कि वो न सिर्फ अपने पिता को ढूंढ निकालेगा बल्कि उसे देखने के बाद पिता भी उसे अपनाने से इनकार नहीं करेगा। बस इसी भरोसे की वजह से अपने पिता की एक फोटो को लेकर दर दर भटकते बेटे ने 20 साल बाद अपने पिता को खोज निकाला। I'm very happy and emotional. भावुक कर देने वाली ये कहानी जापान के रिन्ताकाहाटा की है। रिन्ताकाहाटा अपने हाथों में माँ और पिता की पुरानी तस्वीरें थामकर अपने पिता की तलाश में घर से निकल गया। पिता का नाम लिखी हुई एक पर्ची और उसकी फोटो को वो घर घर दिखाता और सबसे पूछता कि उसके पिता को किसी ने देखा है क्या। रिन्ताकाहाटा की ये अंतहीन कोशिश आखिर रंग लाई। जापान से भारत आने के बाद पंजाब में उसे अपने पिता के होने की उम्मीद जगी और फिर एक दिन पंजाब के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर वो अपने पिता की तलाश करते हुए जा रहा था। उसने सड़क के किनारे बैठे कुछ लोगों को जब अपने पिता की तस्वीर दिखाई तो लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने उसे फतेहगढ़ चूड़िया रोड के समीप लोकारका रोड जाने को कहा जहां रिन्ताकाहाटा का पिता सुखपाल सिंह रह रहा था। जैसे ही रिन पिता के घर पहुंचा तो सुखपाल उसे पहचान नहीं पाया। जब उसके हाथ में अपनी तस्वीर देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गया। रिन ने जब बताया कि वो उनका बेटा है तो सुखपाल और उनका परिवार अवाक रह गया। अपने बेटे से इस प्रकार मिलन होगा ये सुखपाल ने कभी सोचा भी नहीं था। रिन को देखकर सुखपाल ने उसे बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। 2002 के करीब मैं स्टडी के लिए बाहर गया था तो वापस आ रहा था अपना स्टडी फिनिश करके। फिनिश नहीं हुई थी, बीच में छोड़ के आ गया था, दिल नहीं लग रहा था। लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। तो वो इंडिया ही आ रही थी ताजमहल वगैरह देखने के लिए, तो उधर ही मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसी टाइम के दौरान मेरी बातचीत हुई उनके साथ। मैंने उन्हें बताया अमृतसर के बारे में, हरिमंदर साहब के बारे में, वाघा बॉर्डर के बारे में, तो वो काफी एक्साइटेड थी ये चीजें देखने के लिए। तो वो मेरे साथ ही अमृतसर आ गए और मेरी फैमिली के साथ 10-15 दिन रहे, इकट्ठे रहे। फिर मैं उसके बाद उसे अपना गोल्डन टेम्पल और ये सारा कुछ घुमा के फिर वो वापस चले गई उसी टाइम के दौरान। फिर वहां से जाके उसने मेरे स्पॉन्सरशिप भेजी जापान से और 2002 के बीच मेरा वीजा लग गया था जापान का। फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे। फिर 2003 में हमारी शादी, 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था 13 फरवरी को। सुखपाल के अनुसार 2001 में वो थाईलैंड में था, तब उसकी मुलाकात सचिताकाहाटा से हुई थी।
2002 में सचिता कहाता जापान चली गई तो सुखपाल भी वहां पहुंच गया। सुखपाल और सची ने शादी कर ली और जापान के चिबा केन में रहने लगे, जहां सचिता कहाता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रेंता कहाता रखा गया। लेकिन बाद में दोनों के बीच कुछ गलत फहमियां हुई और दोनों अलग हो गए। साल 2003 में सची ने रिन को जन्म दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा रिन अपने पिता के बारे में माँ से पूछने लगा। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता भारत के पंजाब के अमृतसर में हैं। इसके बाद रिन ने अपने पिता से मिलने का पक्का मन बनाया। वो पिछले 15 दिनों से अमृतसर की गलियों में अपने पिता की फोटो लेकर घूमता रहा। आखिरकार फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर जब दुकानदारों को पिता की तस्वीर दिखाई तो वो लोग रिन को उसके पिता के घर तक ले गए। बेटे को देखकर सुखपाल और उसके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। साल 2007 में भारत लौटने के बाद सुखपाल ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी से सुखपाल की एक बेटी है। अब खास बात यह है कि राखी के दिन उसका भाई रिन उससे मिला। अपने भाई को पाकर अवलीन पन्नू बहुत खुश है। अवलीन ने अपने भाई की कलाई पर पहली बार राखी बांधी। रखड़ी वाले दिन आए मैंने बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया। ते मेरे वैसे कजन भरा भी है वो मेरे बहुत प्यार कर दे पर एक हुण रियल आ वो मैनू नाल रखणगे हमेशा मेरे नाल रहणगे। पता नहीं हुण अगली रखड़ी ते आपां नाल होईए ना होईए पर एक रखड़ी ते मैं उन्होंने बनती आ हुण मैं बहुत खुश हाँ। वहीं सुखपाल की दूसरी पत्नी ने भी बाहें फैलाकर रिन का स्वागत किया। गुरविंदर जीत कौर को ये जरूर मालूम था कि सुखपाल ने एक शादी पहले भी की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुखपाल का जापान में कोई बेटा भी है। मैंने मैरिज बारे दसिया ही कि इन्हों की मैरिज हुई है, बट मैंने ये नहीं पता कि इन्हों का बेटा भी है। फिर हौली हौली जो इन्होंने मैं इन्होंने पूछा ये मतलब कि टेंशन लेंदे ही कोशिश पाते मेरे को, तो मैं उन्होंने पूछा तो कहें कि मेरा एक बेटा सी जापान। फिर मतलब उस तो बाद मैं हौली 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 अरदासा करनिया शुरू कीतियाँ कि टेंशन लेंदे ही कि बेटा साडा वापस आ जाए। तो अचानक रखड़ी वाले दिन एक इस तरह का चमत्कार ही होया कि सानू ये बेटा वापस मिलिया, तो बड़ी खुशी हुई है, हुण साडा दिल नहीं करता कि वापस जावे। बहरहाल जिंदगी के साथ हुए इस वाक्य के साथ सुखपाल हैरान है। सुखपाल ने अपनी पत्नी सची से भी फोन पर बात की और उसे बताया कि रिन उसके पास है, इसलिए वो चिंता ना करे। वहीं रिन ने कहा कि वो चाहता है कि मेरे माँ बाप एक बार जरूर मिलें। ये कहानी फिल्म मासूम का रियल वर्जन मानी जा सकती है।